आगामी चुनाव और होली को लेकर के पटना पुलिस के द्वारा पटना राजधानी की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24, मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें कि सेंट्रल एसपी चंद्र प्रकाश, डीएसपी और तकरीबन चार थानाओं के थानेदार और पुलिस के साथ आज राजधानी पटना में डाक बंगला चौराहे के कोतवाली थाना से फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च कोतवाली से होते हुए स्टेशन पीरबोहर और गांधी मैदान और एग्जीबिशन रोड होते हुए बुद्धा कॉलोनी तक गई है। आपको बता दें कि आगामी चुनाव और होली को लेकर के किसी तरह की अनहोनी न घटे और किसी तरह के हुड़दंगियों के और जो बाइकर्स हैं उनके द्वारा किसी तरह की खलल न दी जाए, इसके लिए पटना पुलिस के द्वारा आज फ्लैग मार्च निकाला गया है। और फ्लैग मार्च के दौरान क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं सेंट्रल एसपी चंद्र प्रकाश, जरा देखें। आगामी जो चुनाव है और जो अभी होली का पर्व है उसके आलोक में जो है फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जो CABF की हमारे पास कंपनी आई हुई है उसका यूज़ कर रहे हैं। और आप लोगों से सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि शांतिपूर्वक भाईचारा के साथ और जो है सब मिलजुल कर जो है होली का परिवार जो त्यौहार है उसको मनाएं। और आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बस्तियों में भी घुमा दिया जी जी जी, सारे जो क्षेत्र हैं जो संवेदनशील क्षेत्र है और जहाँ जहाँ शिकायतें रहती है और जो बाकी क्षेत्र भी है हर जगह हम लोग अभी जा रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और जो है लोगों से अपील यही है कि जो शांतिपूर्वक जो है होली का जो त्यौहार है वो मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं, भाईचारे के साथ मनाएं। चुनाव भी है अभी, तो अभी धारा 144 लगी हुई है, लाउड स्पीकर का जो है यूज़ जो है प्रतिबंधित है, जो कानून है उसको अनुपालन करें सब लोग और जो है शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाएं। सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी है? सुरक्षा को लेकर के हर संवेदनशील जगह पे हर जो भी ऐसे क्षेत्र है जहाँ से हमें पहले कुछ इश्यूज हुए हैं और सभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जगहों पर जो है डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिला स्तर से ही डिप्लॉयमेंट की गई है। और जो हमारे जो कंपनीज आई है अभी बाहर से CABF की चुनाव के मद्देनज़र उनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिससे कि सब कुछ शांतिप्रिय ढंग से जो है संपन्न हो जाए, धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि सेंट्रल SP चंद्र प्रकाश ने साफ तरीके से कह दिया है कि आगामी चुनाव और होली को लेकर के पटना पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, अपनी कमर कस ली है और हम लोग पूरी तरीके से राजधानी वासियों के सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें।